Then they are means they have chlorophyll. अब जिसमें भी क्लोरोफिल होता है so so चैप्टर में हमने इसकी इमेजेस वगैरह भी देखी थी अब अगर हम उसका स्ट्रक्चर देखें तो ऐसा है नहीं है जैसे बाकी प्लांट्स में होता है रूट्स होती है स्टेम होता है लीव होती है उस तरह से इसका स्ट्रक्चर नहीं होता ठीक है नेक्स्ट वॉट आर

प्रोक्योटिक टाइप के सेल्स होते हैं इसमें एंड उनको हम सिर्फ अंडर माइक्रोस्कोप देख सकते हैं नेकेटाइज से वो विजिबल नहीं होते देन वट आर कैरियर सो दर्गेनिजम्स विच कैरी दी पाइथोजन डिजीज पर्सन टू अर्सन आर कॉल्ड कैरियर्स अब कोई डिजीज है जो एक अनहेल्दी पर्सन है उससे कैरी करके एक हेल्दी पर्सन तक लेके जा रहा है तो वो जो लेके जा रहे हैं जैसे इंसेक्ट हो सकते है जो वो कैरी करके डिजीज लेके जा रहा है दैट इज कॉल्ड रियर सो फॉर एग्जाम्पल फीमेल एनोफिल्स मस्कीटोज ये जो होते हैं ये डेंगू वगैरह या मलेरिया वगैरह वाली डिजीजे इधर से उधर ट्रांसफर करते हैं है ना सो दे आर कैरियर नेक्स्ट है हमारे पास कम्युनिकेबल डिजीजेस अब कम्युनिकेबल डिजीजेस कौन सी होती है डिजीजेस दैट कैन बी स्प्रेड फ्रॉम एन इनफेक्टेड पर्सन टू अ हेल्थी पर्सन थ्रू एयर वॉटर फूड और फिजिकल कॉन्टेक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीजेस अब ऐसी डिजीजेस जो एयर के कॉन्टेक्ट में आने से वॉटर वगैरह इन सब चीजों से पास ऑन हो सकती है जैसे फ्लू है कोल्ड है ये सब चीजें बहुत जल्दी पास ऑन हो जाती है इंफेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन तो दे, दे, दे कम अंडर कम्युनिकेबल डिजीजेस ओके नेक्स्ट है फर्मेंटेशन अब फर्मेंटेशन क्या होता है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इन टू एल्कोहॉल यीस्ट इज कॉल्ड फॉर्मेंटेशन जब हम शुगर को एल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं यीस्ट की हेल्प से तो उसको नाम देते हैं नेक्स्ट है, है हमारे पास फंगी सो फंगी आर नॉन ग्रीन प्लांट्स दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन दे मे बी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलर पहली बात तो यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर मतलब मल्टीपल सेल्स भी हो सकते हैं ऑल्सो वो अपने आप सिंथेसाइज नहीं कर सकते एंड दे आर नॉन ग्रीन नेक्स्ट

इक्रो ऑर्गेनिजम दीज इंक्लूड अ वायरस बैक्टीरिया फंगी प्रोटोजोआ एंड सम एल ठीक है नेक्स्ट है हमारे पास नाइट्रोजन साइकिल अब नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है अ प्रोसेस बाय विच द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन रिमेन्स कांस्टेंट इन दटमोस्फेयर इज नोन एज नाइट्रोजन साइकिल अब एक ऐसा प्रोसेस जिससे एटमोस्फेयर में हम नाइट्रोजन का जो लेवल है उसको कॉन्स्टेंट रखते हैं उसको कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल उसके बाद आता है नाइट्रोजन फिक्सेशन अब उसमें क्या होता है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन टू इट यूजेबल फॉर्म अब एटमोस्फेयर में हमें पता है बहुत ज्यादा परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन है तो उस नाइट्रोजन को कन्वर्ट करना किसी यूजेबल चीज में दैट इज वॉट नाइट्रोजन फिक्सेशन इज ठीक है नेक्स्ट है पेस्टराइजेशन सो द प्रोसेस इन विच मिल्क इज हीटेड टू अबाउट सेवेंटी डिग्री सेल्सियस फॉर फिफ्टीन टू थर्टी से थर्टी सेकेंड तक हम उसे सेवेंटी डिग्री पे हीटअप करते हैं एंड देन सडनली कूल और एकदम से फिर उसको ठंडा करते हैं प्रोसेस ऑफ पेस्ट्रेज बेसिकली क्या क्यों किया जाता है ये फूड को फूड पॉइजनिंग से बचाने के लिए स्टोरेज का एक प्रोसेस है ये नेक्स्ट नेक्स्ट वी हैव वॉट आर पाइथ्रोजन सो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड उसके बाद प्रिजर्वेशन प्रिजर्वेशन पूरा एक टॉपिक किया था सो प्रिवेंशन ऑफ स्पॉइलिंग ऑफ फूड फ्रॉम दाइक्रो ऑर्गेनिजम इज कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन मतलब फूड को प्रिजर्व करना कैसे स्पॉइल्ड होने से बचाने से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वो स्पॉइल लाऊ उसको बचाने के लिए प्रिजर्व करना है अगेन दे आर यूनिसेलुलर एनिमल्स उसके बाद है रिजोबियम रिजोबियम इजीरियम ऑफ लिगोम ये भी एक तरह का बेक्टीरिया होता है जो की प्लांट के नॉड्यूल्स में रहता है एंड इट हेल्प इन फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन उसके बाद वॉट इज वैक्सीन सब्सटेंस विच इज इंजेक्टेड टू दिगर टू ट्रिगर दॉडी टू डेवलप इट्स ऑन डिफेंस इज नोन एज वैक्सीन अब ये क्या होता है बॉडी में वैक्सीन को इंजेक्ट किया जाता है कि बॉडी अपने आप एंटीबायोटिक्स बनाए अपने आप एंटीबॉडीज बनाए जिससे वो किसी भी डिजीज से फाइट कर सके ठीक so है सो सो दैट इज वैक्सीन नेक्स्ट है वायरस वायरसेस आर लिविंग लिविंग ओनली अदर सेल्स तो वायरसेस सिर्फ कहाँ रह सकते किसी लिविंग बॉडी के अंदर ही वो अपने आप को डेवलप कर सकते हैं देन दे आर कंसिडर्ड एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड ंग तो वो एक तरह से कनेक्टिंग लिंक का नॉन लिविंग चीजों में देन यू सो इट इज अलुलर फंगस ठीक है सो दीज आर ऑल दी इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि हमें की वर्ड में दे रखी थे आई होप आपको सबकी डेफिनेशन समझ में आगे होंगे और अगर ये नेम दी फॉलोइंग किसी तरह से भी आपके पास क्वेश्चन में आएगा तो आप उसको आंसर कर पाओगे सो आई सी यू ऑल अगेन इन दी नेक्स्ट सेशन डिलेक केयर एंड बाय